हेलो एवरीवन, मेरी रसोई में आपका स्वागत है। मैं आज बना रही हूँ व्रत वाली कुल्फी, जिसमें किसी भी अनाज का यूज नहीं किया गया है और ये सभी लोग खा सकते हैं। जैसे जैन लोग भी होते हैं जो रात को खाना नहीं खाते हैं, तो वो भी आराम से खा सकते हैं। हम व्रत में कितनी बार सोचते हैं कि हम क्या खाएँ, हमें कुछ समझ नहीं आता, तो उसके लिए मैंने इसमें इस तरह की कुल्फी बनाई है जिसमें मैंने किसी भी तरह का अनाज का यूज नहीं किया है। 1 कप मैंने मलाई ली है, ये देखिए, 4 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, 1/2 कप पीसी चीनी ली है और 1/2 कप दूध लिया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें मैंने बादाम, काजू और पिस्ता डाला है। 2 स्टिक्स लिए और 2 थर्माकोल के गिलास लिए। अब मैं आपको बतलाती हूँ उसको कैसे करना है। 1 कप मलाई इसमें डालते हैं, 1/2 कप दूध डालते हैं, इसे चीनी डालते हैं और मिल्क पाउडर 1 बाउल में मिला लेते हैं ताकि इसमें गाँठें ना पड़े। मैंने मिल्क पाउडर 1 बाउल में मिला दिया, जिसके लिए मैंने 1/2 कड़छी दूध एक्स्ट्रा लिया था। अब मैं इसको भी इसमें ही मिक्स कर देती हूँ। अब सब चीज़ों को धीरे धीरे मिलाते हैं, पर इस तरह से मिलाते हैं क्योंकि इसमें मलाई डली हुई है ताकि घी ना निकले इस पर। इसे चम्मच से ही चलाना है, बीटर्स का यूज नहीं करना है इसमें। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। देखिए, अब हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे गिलासों में डाल देते हैं। अब हम इसे फ्रीजर में रख देते हैं, हमें गिलास इतना ही भरना है और 2 घंटे बाद हम इसमें स्टिक सेट कर देते हैं। अभी इसमें स्टिक नहीं लगेगी वरना वो गिर जाएगी। 2 घंटे हो चुके हैं, ये ऐसी हो चुकी है। अब हम इसमें एल्युमिनियम फॉइल रैप कर देते हैं और चाकू से इसके सेंटर में छेद करके इसमें स्टिक लगा देते हैं, ऐसे करके, और 8 घंटे के लिए हम इसे फ्रीजर में रख देते हैं। 8 घंटे बाद आइसक्रीम बाहर निकाल ली है। अब आप देखिएगा इसको, ये कैसे जमी है, और हम ऐसे गिलास को फाड़ कर इसमें से निकालेंगे क्योंकि गिलास तो हमारे लिए फिर भी वेस्ट ही है। देखिए, अब हमने गिलास से निकाल दिया और अब ये हमारी ऐसे तैयार हो चुकी है।